सबसे दिलचस्प मुकाबला पूर्वी उत्तर प्रदेश में यानी कि पूर्वांचल में है। क्या स्थिति है, क्या रणनीति भाजपा कर रही है, दूसरी पार्टियां भी तरह तरह के दावे कर रही हैं, क्या हकीकत है इस वक्त चुनाव की, वहाँ पे क्या तैयारी है बीजेपी की? बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा जी हमारे साथ हैं। सर, जैसा कि सब जानते हैं, सबकी नज़र पूर्वांचल पे है, पूर्वांचल पे बड़े बड़े दिग्गज अपना दांव लगा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आजमगढ़ से अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी भी इस बार मैदान में कूदी हैं। तो अब जो है बीजेपी के लिए किस तरीके की चुनौती सामने आ रही है वहाँ पे? देखिए, सामान्य तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश भारत सरकार की ओर से बहुत उपेक्षित रहा है पिछले वर्षों में, लेकिन मोदी जी की सरकार बनने के बाद मुझे लगता है कि भारत सरकार के विचार के केंद्र बिंदु में पूर्वी उत्तर प्रदेश है। मैं मानता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो बदलाव 5 वर्षों में हुआ है, तो लोग महसूस कर रहे हैं कि वास्तव में विकास होता क्या है, पहली बार पूर्वांचल के लोग देख रहे हैं। तो कोई आवे कोई जाए, मैं मानता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश पूरी तरह से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करेगा। गाजीपुर में जिस तरीके से काम दिखाई दे रहा है, जो सोशल मीडिया के जरिए हम लोग देख रहे हैं, हमेशा आप हफ्ते में लास्ट मतलब वहाँ हमेशा रहे हैं, बावजूद इसके कितने आशान्वित हैं आप कि गाजीपुर में कोई चुनौती आपको दिखती है? क्योंकि सपा बसपा का गठबंधन एक बड़ी चुनौती हो सकती है, ऐसा लोग कह रहे हैं। हालांकि नाम अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन अफजाल अंसारी आपके मुकाबले में हो सकते हैं बहुजन समाज पार्टी मतलब गठबंधन की तरफ से। तो किस तरीके की चुनौती आपको लगती है या चुनौती नहीं है? मैं चुनौती मानता हूँ, सपा बसपा का गठबंधन एक मजबूत सामाजिक समीकरण बनाता है, राजनीतिक ताकत भी है वो गाजीपुर में। लेकिन मुझे लगता है कि अब 93 और 2019 के बीच गंगा में पानी बहुत ज़्यादा बह गया है, और 93 के आधार पर मूल्यांकन करने की ज़रूरत नहीं है। अब जाति और दलीय दीवारों को ऊपर उठ करके लोगों ने विकास का अनुभव किया है, और मुझे लगता है गाजीपुर के लोग विकास के साथ खड़े होंगे और फिर से मुझे आशीर्वाद देंगे।